भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के कैंसिल टिकटों से हुई कमाई की जानकारी दी है। आरटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने साल 2021, साल 2022, साल 2023 के वेटिंग लिस्ट के कैंसिल टिकटों से कुल 1229 करोड़ रुपया कमाई हुआ है और इसके अलावा अकेले साल 2024 के जनवरी महीने में कुल 45 लाख कैंसिल टिकटों से रेलवे को कुल 43 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, यानी कमाई हुआ है। आपको बता दें कि कैंसिल टिकट 2021 में टोटल 2.53 करोड़ हुआ था, जिससे रेलवे को 242 करोड़ रुपये का कमाई हुआ। इसके अलावा वर्ष 2022 में कैंसिल टिकट 4.6 करोड़ हुआ था दोस्तों, जिससे रेलवे को 439 करोड़ रुपये का कमाई हुआ। वर्ष 2023 में 5.26 करोड़ कैंसिल टिकट हुआ था, जिससे रेलवे को 505 करोड़ रुपया कमाई हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से साल दर साल कैंसिल टिकटों से रेलवे की कमाई बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन टिकट दो तरह से मिलते हैं। एक रेलवे काउंटर पर जाके टिकट आप लोग कटाते हैं और दूसरा ऑनलाइन ई टिकट से टिकट कटता है। IRCTC के मुताबिक अगर RAC या वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल किया जाता है तो 60 रुपये रिफंड से काटे जाते हैं। वहीं अगर कंफर्म ई टिकट यानी मोबाइल से ऑनलाइन ई टिकट आप लेते हैं, कंफर्म होता है तो ट्रेन चलने के शेड्यूल के 48 घंटा पहले कैंसिल किया जाता है तो फर्स्ट AC क्लास में 240 रुपये कटता है और AC 2 टीयर में 200 रुपया कटता है, AC 3 टीयर में 180 रुपया कटता है और स्लीपर में 120 रुपया कटता है और सेकेंड क्लास जिसमें जनरल में अगर जाते हैं तो 60 रुपये का सरचार्ज कटता है। इस तरह से रेलवे को बम्पर कमाई होता है दोस्तों। आपको बता दें, सिर्फ जनवरी 2024 में रेलवे को 45 करोड़ रुपये का कमाई हुआ है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद रेलवे।